राजधानी रांची में अपराधियों ने सुबह सुबह कोयला कारोबारी को उसके ऑफिस के गेट पर गोली मारी। घटना शुक्रवार की है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कारोबारी रंजीत गुप्ता रोजाना की तरह ओल्ड अरगोड़ा चौक के पास अपने ऑफिस पहुंचे थे। वो कार से उतरे और अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। पीछे से कंधे पर बैग लिए एक युवक आ रहा है। उसके गले में गमछा है, जिसके पीछे उसने पिस्टल छिपा रखी है। साथ साथ एक बाइक सवार भी है। इसी बीच रंजीत की कार यू टर्न लेती है और कारोबारी अपने दफ्तर की तरफ बढ़ते हैं। इतने में पीछे से आ रहा युवक उस पर तड़बा तोड़ फायरिंग करने लगता है। कारोबारी रंजीत बचने की कोशिश में हाथ पैर मारते हैं। फायरिंग के बाद आसपास के लोग भी शोर मचाने लगते हैं। इधर फायरिंग करने वाला अपराधी बड़े आराम से थोड़ी आगे इंतजार कर रहे अपने बाइक सवार साथी के बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। बीते 3 दिन में खुलेआम गोलीबारी की ये दूसरी वारदात है। 2 दिन पहले ही रांची के जाने माने बिल्डर रहे स्वर्गीय कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में शामिल कोई भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अभी एक घटना की पड़ताल में पुलिस जुटी ही हुई है कि अपराधियों ने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। अभी उनसे पूछताछ हुई है तो उन्होंने बताया कि वो नहीं पहचानते हैं, जो तो अज्ञात अपराध कर्मी है। बाकी आगे की जांच स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टिंग के क्लू मिले हैं तो उन्हीं पे ही इन्वेस्टिगेशन जारी है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।